हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज मैं बना रही हूँ धनिया की चटनी। आजकल सर्दियों में धनिया ज़्यादा मिलता है, इसलिए मैं आपको धनिया की चटनी बनाकर दिखा रही हूँ। धनिया की चटनी बनाने के लिए ये सामग्री लगती है। इसमें मैं दाला चना, पुदीना, लहसुन, अदरक सब कुछ ये डाल रही हूँ जो आपको दिखा रही हूँ। नींबू और मिर्च भी है, हरी मिर्च। पहले हम चने को थोड़ा सा सेकेंगे, उसके बाद इसकी इसमें चटनी में बाइंडिंग के लिए डालेंगे, इसको पीसने के लिए ठंडा करके। चने को सिकने देना है, थोड़ा ब्राउन जैसा हो जाएगा। ये देखिए अब थोड़ा सा हो चुका है ये ब्राउन जैसा, अब निकाल दिया मैंने इसको। अब ठंडा करने के लिए रखेंगे हम इसको, गर्म नहीं मिक्सी में डालेंगे क्योंकि मिक्सी गर्म हो जाएगी फिर। हम मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए डाल रही हूँ मैं सबसे पहले अदरक, फिर लहसुन, उसके बाद हरी मिर्च, फिर पुदीना डाल रही हूँ। अब मैं इसके बाद इसमें धनिया डालूँगी, उसके बाद मैं चने डालूँगी, जो चने ठंडे हो चुके हैं अब, चना दाल। इसमें मैं काला नमक भी ऐड करूंगी। ये धनिया जो है इसको आप डंडी, जो कच्ची डंडियां हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और अब मैं इसमें चीनी भी डाल रही हूँ थोड़ी सी, आप जैसे चीनी डाल सकते हैं। नींबू डाल रही हूँ अब मैं, नींबू डालूंगी, दो नींबू। अब मैं इसमें चना दाल डाल रही हूँ, ये देखो आप, एक कप, थोड़ा मतलब पूरा नहीं है, थोड़ा आधा है। इसके बाद मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ इसमें, आधा गिलास। अगर कम होगा तो फिर और डालूँगी पानी। अब इसे हमें ग्राइंड करना है, फिर चटनी तैयार हो जाएगी। ये देखिए ग्राइंड हो रही है चटनी। इसमें अगर पानी कम है ना तो पानी भी आप डाल सकते हैं। अब देखो फाइनल लुक आ चुकी है। इसमें आप सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, सफ़ेद तिल भी अच्छे होते हैं। और इसमें आप मूंगफली भी डाल सकते हैं, दाल चना की जगह, दला चना जो डाला मैंने उसकी जगह। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट तो ज़रूर ही करें, मुझे कमेंट से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।